और अब फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं 50 बड़ी खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह का बुलंदशहर और गाजियाबाद में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, कई सार्वजनिक सभाएं और जनसंपर्क का कार्यक्रम। अमरोहा मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुरादाबाद में करेंगे सार्वजनिक जनसभा, उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में चुनावी दौरा, बुलंदशहर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो गौतम बुद्ध नगर में करेंगे जनसंपर्क। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज संयुक्त रैली, मेरठ मंडल के 28 सीटों के लिए करेंगी संयुक्त रैली। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे नामांकन, साथ ही रहेंगे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद। यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, 4 फरवरी को अलीगढ़, नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद, साथ ही हापुड़ में करेंगे वर्चुअल रैली। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति की वजह से पाकिस्तान और चीन साथ में आए हैं, चीन अगर कुछ भी करेगा तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि असंगठित क्षेत्रों पर सरकार ने हमला किया है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान तो दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी को बोलने का मौका सिर्फ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो गांधी परिवार से हैं, प्रधानमंत्री जहां बैठे हैं राहुल गांधी सोचते हैं ये मेरा स्थान है, इन्हें बहुत अहंकार है जो उनसे ऐसा बात करवा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल ने बार बार बोला है कि भारत एक देश ही नहीं है, राहुल एक कंफ्यूज आदमी है, इस व्यक्ति ने सारे कैबिनेट के जो निर्णय किए थे उसे फाड़ दिया था और मोदी जी के बारे में राजा बादशाह की बातें कर रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के न्यायपालिका और चुनाव आयोग वाले बयान की निंदा की, कहा यह हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, राहुल गांधी को तुरंत चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गलवान भिड़ंत को लेकर बड़ा खुलासा, जून 2020 में भारतीय और चीनी सिपाहियों के बीच हिंसक झड़प में चीन के 38 सिपाहियों की हुई थी मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,433 नए मामले आए सामने, 1,008 लोगों की मौत, 2,81,109 लोग हुए थे ठीक। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,33,921 हुई, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983 पहुंची। केरल में पिछले 24 घंटे में 52,199 नए केस आए सामने, जबकि 41,715 मरीज ठीक हो गए, 29 लोगों की मौत। पंजाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की एक चुनावी सभा में कुछ लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया हमला, हमले में 4 घायल। तेलंगाना में 5 फरवरी को संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का मोदी करेंगे अनावरण, 13 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम और राष्ट्रपति। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उत्सव, पीएम मोदी ने भिजवाई चादर। समाजवादी पार्टी और अपना दल का मेरवादी गठबंधन में दरार, अपना दल ने लौटाई प्रयागराज और वाराणसी की सीट। पंजाब चुनाव से पहले बढ़ी सिद्धू की मुश्किलें, 33 साल पुराने रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची, लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल। यूपी में बीजेपी को झटका, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे संग्राम सिंह वर्मा ने थामा सपा का दामन। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 4 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी शामिल। सेना दिवस परेड समारोह में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल में पहले स्थान पर असम रेजिमेंट, सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दी ट्रॉफी।
भारतीय सेना को जल्द मिलेगी कॉन्कर्स एम मिसाइल। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने 3131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, प्रोजेक्ट 75 के पांचवी पनडुब्बी वागीर का ट्रायल शुरू। यूपी चुनाव में 615 उम्मीदवारों में से 156 पर दर्ज है मुकदमे। पहले चरण में 25 दागी, एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। गूगल का बड़ा ऐलान, बदला जाएगा जीमेल का डिजाइन। जीमेल यूजर्स को एक ही जगह पर मिलेंगे गूगल चैट, मीट और स्पेस। बिजली, रसोई गैस और खाद्य संकट से गुजर रहा है श्रीलंका। तेल खरीदने के लिए भारत ने की $500 मिलियन की तत्काल मदद। रूस यूक्रेन तनाव पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बातचीत। मैक्रों विवाद हल करने के लिए कर सकते हैं रूस का दौरा। यूक्रेन पहुंचे ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को दी चेतावनी। बोले, रूस अगर यूक्रेन पर करता है आक्रमण तो ये उसका दुखद आकलन होगा। ब्रिटेन में पार्टीगेट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीएम जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी में 7 सांसदों पर अविश्वास का प्रस्ताव भेजा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुलिस जांच में 6 पार्टी में शामिल होने की बात को मान लिया है। कोरोना काल में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक दर्जन पार्टियां करने का आरोप। यूएन में यूक्रेन के राजनायक ने रूस पर उठाया सवाल। बोले, अगर रूस युद्ध नहीं चाहता तो उसकी 1,30,000 सेना बॉर्डर पर क्यों इकट्ठा है। अफ्रीकी देश कांगो में बड़ा आतंकी हमला, कम से कम 60 लोगों की मौत, धारदार हथियारों से की गई हत्या। इक्वाडोर में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 24, अब भी 12 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तेज हवाओं की वजह से जमीन पर पलटने से बाल बाल बचा विमान। कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। ग्वाटेमाला में संसद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में शामिल तस्करों को 30 साल तक जेल की सजा करने की मांग। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट को बताया अनुमान, जबकि इकोनॉमिक सर्वे में 8.5% रहने की संभावना जताई। मौजूदा वित्त वर्ष में हासिल कर सकते हैं $400 अरब का निर्यात का लक्ष्य, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जताया भरोसा। कोविड प्रतिबंध खुलने से बढ़े रोजगार, जनवरी में बेरोजगारी दर 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। गैर सरकारी संस्थान सीएमआईई ने जारी किया आंकड़े। एल्यूमिनियम सेक्टर में छाया कोयले का संकट, 15 दिन की सीमा की जगह बचा है सिर्फ 3 से 4 दिन का स्टॉक। कोरोना की चपेट में टीम इंडिया, शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर समेत टीम के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, वेस्टइंडीज सीरीज से हो सकते हैं बाहर। अंडर 19 विश्व कप में लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हराया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी और टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का नाम भी शामिल। 4 मार्च को सिनेमा घरों में देगी दस्तक अमिताभ बच्चन की झुंड, बिग बी ने साझा किया पोस्टर। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 हुई रिलीज, 20 मई को सिनेमा घरों में देगी दस्तक। सुनील ग्रोवर की हुई हार्ट सर्जरी, सेहत में पहले से सुधार। महिला के साथ जबरदस्त वर्कआउट करती नजर आई बिल्ली, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।